गया था और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी प्रिपेयरनेस पे रही, किसी किस्म का चांस नहीं लिया। आर्मी पुलिस एयरफोर्स भी कोऑर्डिनेट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा, बट जब हमने वेरीफाई किया तो इस किस्म का कोई भी एक्सीडेंट नहीं था। इसलिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की है कि इस किस्म का जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग थ्रेटन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो अनवेरीफाइड न्यूज़ या इस किस्म के रूमर्स स्प्रेड करते हैं। सर, जिस तरह इंक्वायरी इनिशिएट की गई, इसके लिए कोई टीम तश्कील दी गई है? इंक्वायरी हमने ऑर्डर की जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुमताज साहब उसको हेड करते हैं, इसमें एडिशनल एसपी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, जनरल मैनेजर टेलीकॉम, एआरटी और बाकी लोग इसके मैनेजर। सर, जिस तरह कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये न्यूज़ आई, क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? इनफैक्ट हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक किसी ग्रुप पे कार्रवाई करने का नहीं, बट हम ट्रेस करेंगे उन ग्रुप से जिसने शेयर की, तो उसे लिंक हम एक एस्टैब्लिश करेंगे। कुछ इनपुट्स हमें मिली भी हैं कि एग्जैक्टली न्यूज़ कहाँ से आई, ताकि उन लोगों की हेल्प लेकर तो एक्चुअल कल्प्रिट उस तक पहुँचा जाए। सर, अभी तक एक बंदे को अरेस्ट किया गया इस मामले में, क्या इसमें काफ़ी सारे लगभग कोई 10-12 लोगों का सस्पेक्ट्स का इसमें नाम आया, अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है, आने वाले दिनों में रिवील करें। थैंक यू।